अस्सलामु अलैकुम, वेलकम इन बासित मेडिसिन केयर। नाज़रीन, आज हम आप लोगों को बताएंगे एक बेहतरीन मल्टी विटामिन के बारे में। आज हम बताएंगे कि उसका यूज़ क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और उसके वार्निंग्स क्या है। तो जी नाज़रीन, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मल्टी बायोंटा टैब कैप्सूल्स के बारे में, जो कि एक बेहतरीन मल्टी विटामिन है। इसमें हमें 20 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स मिलते हैं। नाज़रीन, आज हम बताएंगे कि इसमें हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, इसका यूज़ कौन सी बीमारियों में होता है, वो कौन से हालात है जिसमें अक्सर अवकात ये मल्टी विटामिन्स अक्सर अवकात प्रस्क्राइब करते हैं, और इसके इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या मुमकिन मंजर असरात हो सकते हैं, और इसके वार्निंग्स क्या है, यानी ये किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो इस सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखें, ताकि आप बेहतर समझ सकें, अदरवाइज आप मिसगाइड हो सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, वो कौन से फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स है जो हमें इसमें मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले विटामिन ए मिलता है, 5500 IU, विटामिन डी 500 IU, विटामिन B1 मिलता है 10 mg, विटामिन B2 10 mg, विटामिन B6 5 mg, इसके अलावा विटामिन B12 हमें मिलता है तकरीबन 8 mcg, और विटामिन सी 100 mg, और फॉलिक एसिड हमें 200 mg मिलता है, निकोटिनामाइड BP हमें 30 mg, कैल्शियम डी हमें 20 mg, और इसके अलावा विटामिन ई हमें मिलता है जो कि 10 mg इसके इंग्रेडिएंट में शामिल है। ये सब इंग्रेडिएंट्स मिला के ये कैप्सूल बनाया गया है। नाज़रीन, ये मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर मेडिसिन है, जो कि बहुत सारे हालात में डॉक्टर ये मेडिसिन ये कैप्सूल्स प्रस्क्राइब करते हैं, जो कि बेहतरीन मल्टी विटामिन कैप्सूल्स है। नाज़रीन, यूज़ के बारे में बता दूँ तो ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। मर्दाना कमज़ोरी में अक्सर अवकात ये मल्टी विटामिन डॉक्टर प्रस्क्राइब करते हैं, और इसके अलावा ये विजल्स में जाके विजल्स को ओपन करते हैं। इसके अलावा ये मसल्स की कमज़ोरी, यानी अगर आपके पट्टों में कोई कमज़ोरी है तो उस हालत में भी आपको डॉक्टर ये मल्टी विटामिन प्रस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके स्पर्म्स में कमी है तो ये स्पर्म्स काउंट को करता इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ा देता है, और भी बहुत सारे फ़वाद हैं नाज़रीन इसके। यानी अगर आपके जहनी मसाइल में भी इसका इस्तेमाल होता है, विटामिन ए की कमी भी ये पूरी करती है। आँखों के मसाइल, अगर आपकी आई साइट वीक है तो उसमें भी डॉक्टर ये मल्टी विटामिन प्रस्क्राइब करते हैं। जल्द के अमराज है अगर आपको, तो इसमें भी डॉक्टर प्रस्क्राइब करते हैं, और चेहरे के रंगत को सफ़ेद करने के लिए भी, सुरख और लाल करने के लिए भी इसमें विटामिन ई मौजूद है, तो उस हालत में भी डॉक्टर ये मल्टी विटामिन प्रस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी, अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी है, हड्डियों में उनके मसाइल है, ये घुटनों में दर्द है, उस हालत में भी डॉक्टर ये मल्टी विटामिन प्रस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन डी मौजूद होती है, और विटामिन डी इस मसले का बेहतरीन हल है। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन है, दर्द शकीका है, तो भी ये मल्टी विटामिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसाबी खलल और दीगर हालात में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं, और दूसरे हालत में भी आपको ये मल्टी विटामिन डॉक्टर प्रस्क्राइब कर सकते हैं आपको, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने के बाद हमें जो मुमकिन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, उसमें कब्ज़, असहाल या पेट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा मुंह का जायका कड़वा हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसके साथ ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे तो डेफ़िनेटली आपको मुंह का जायका कड़वा महसूस होने लगेगा। यह असरात आमतौर पर अरजी होते हैं और गायब हो सकते हैं, क्योंकि आपका जिस्म इस दवा को एडजस्ट करता है। अगर इनमें से कोई भी असर बरकरार रहता है या ख़राब होता है तो फौरन डॉक्टर से रजू करें। डोजेज की बात करें तो नाज़रीन, एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद 24 आवर्स में इसका एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। ये इसके अलावा नाज़रीन, जो किडनी पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, वो मैं ये मल्टी विटामिन डॉक्टर के परमिशन के बगैर कभी भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी मेडिसिन हो, डॉक्टर के परमिशन के बगैर कभी भी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि डॉक्टर ही बेहतर जानता है कि इस वक्त आपको कौन सी डिसीज़ है और आपको कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़रूर लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद अफराद तक ये मालूमात पहुँच सके। बहुत